कोहवा नाला चाणकपुरी पाइपलाइन रोड। अच्छा, देखिए जो सांप जो है, बारिश हुआ है, सब जीव जंतु जो है इधर से उधर भागे हैं, इसके नीचे बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, इधर से तो पूरा पैक है। अब देखिए इधर से है, वही है, वही पास है। नाक पलटे का इधर से भी कैप है, यहाँ से भी निकलने का रास्ता है इसका। हाँ, वही पास मेडी निकाला था। हाँ, तो इधर से भागेगा तो इसलिए चाहता हूँ ध्यान दे रहना कि इधर से आए चाहे उधर से आए। नहीं, अंदर में है, टायर में घुस गया होगा। उधर खड़ा, उधर खड़ा करो, उधर उसे उसे खड़ा करो, खड़ा करो, साइड पलटो, पलटो 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 पलटो। हाँ हाय हाय, इसको पकड़ के रखिए, नाक पकड़ी, देखो मुंह का रहा है, बस छोड़ दीजिए, नाक को छोड़ दीजिए। कैसे इसका मुंह चुपता है? अच्छा, मकड़ा का जाल लगा है, हम भी बोले कि मुंह पे क्या है, पूरा मकड़े के जाल में वो हो गया है, घिरा गया है, झोला ये है। तो देखिए ये है, गत से कैसे पकड़ लेते हैं आप लोग? अरे भाई, रात में प्रैक्टिस किए हो इसी का। चोट 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 नहीं लगा है? नहीं नहीं, चोट नहीं लगा है। हाँ, इसके मुंह पे जो है मकड़ा का झाल वो लग गया था, इसलिए हमको अगर हाँ अगर उसके मुंह क्या पकड़ लेंगे ना तो सर से काट लेगा, बाकी ऐसे नहीं काटेगा। तो देखिए इसी को बोलते हैं धामिन, इसी को कहते हैं धामिन, घोड़ा पछाड़ असड़िया। अच्छा, काटने के लिए वो कर रहा है, उछल रहा है ना। हाँ हाँ, वो दांत मार देगा, मगर बाकी है कि इसमें जहर नहीं है। हाँ हाँ, और देखिए गाय आप रखे है ना। हाँ हाँ, तो गाय के चक्कर में चारा आता है, चारा के चक्कर में चूहे आते हैं, और चूहों के चक्कर में ये आता है, ये सब एक संतुलन है, प्रकृति का बनाया हुआ एक वो है, आधार है, एक कड़ी दो कड़ी तीन, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, नहीं। तो हाँ, इसीलिए बोले ना कि देखिए ये आधार है, अगर इसको आप मारेंगे तो धीरे धीरे दूसरे जानवर की संख्या बढ़ेगी, और वो बढ़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए भगवान ने सबको एक दूसरे से बनाया कि भाई सब कोई मिलकर काम करे तो ये पृथ्वी ये दुनिया चल रही है। अगर सबका एक भी अगर चीटी का नाम निशान मिट जाएगा दुनिया से तो बहुत सब कुछ नुकसान होने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह ये भी बने, और सर आपका भी आभार है कि आप मारते हैं हमेशा नहीं है, और जब भी ऐसे कोई तो हमको बताते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो देखिए अभी जो स्नेक हम लोग ने पश्चिमी परासी घर के अंदर किचन में फड़ा है, उसको यहाँ छोड़ना है। देखो दिखो, तो देखिए चारों तरफ पहाड़ है और बारिश हुआ है, जंगल झाड़ी है, ये सब जो है यहाँ पे इसको अच्छा खासा माहौल होगा। ठीक है, देखो गंद कितनी तेज, यहाँ बदबू भी आ रही है, सड़ा गला सब है। तो ये देखिए देखिए वो आराम से चला गया। ठीक है, ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत आभार, थैंक यू।